अजमेर में बीती रात कचहरी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर दो बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की, जिससे पेट्रोल पंप के मालिक का बेटा घायल हो गया। इस घटना की सूचना पर आईजी और पुलिस टीम तफ्तीश करने के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत ने बताया कि अपराधियों की तलाश जारी है। पिस्टल था, तो वो पिस्टल निकाल के डाला, तो एक बार जब फायर किया उसने तो वो चला नहीं था। तो उतने में मैं उठ के आई रिएक्टेड इट कि वो क्या कर। तो उतने में जब उसमें फायर हुआ तो उस कांच पे लगा सामने, वो सामने कांच पे लगा, तो वो कांच मेरे यहाँ सामने आके वो कांच लगा। फिर एक फायर और किया उसने, वो मेरे साइड में से निकल के पीछे। तो उतने में मैं नीचे बैठ चुका था, नीचे टेबल के नीचे, तो ही रियलाइज़ किया कर नहीं पाऊंगा मैं वो। फिर वो जाते जाते एक दूसरे इधर एक और फायर करके गया, उसके बाद दो फायर मेरी कार पे करके गया ताकि लोग डर जाएं, वो कोई पकड़ ना सके। एंड देन ही रहने लगे, एक मोटरसाइकिल पे एक वहीं पे खड़ा हुआ था एक आदमी, वो सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्डिंग वो खड़ा हुआ था, वो उसको लेके बैठा के वो जयपुर रोड की तरफ वापस शुरू था। दो लड़के आए थे, दो लड़के, एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ था, एक लड़के ने यहाँ आकर भैया को दो कार चलाई, फायरिंग की, दो गोलियाँ गाड़ी पर चलाई, एक गोली ऊपर चलाई उसने, पांच गोली चलाई थी उसने, सीधा वहाँ पर भैया पर लगी हुई थी, यहाँ लगी, हमने पकड़ने का कोशिश किया, भग गया वो तो।